जनपद बुलंदशहर की सिकंदराबाद पुलिस के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए, जिसके बाद नाराज कार्यकर्ताओं ने सिकंदराबाद की दनकौर तराहे पर पुलिस का पुतला फूंककर विरोध जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गौकशी और महिला अपराध पर सिकंदराबाद पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही। प्रदर्शनकारियों ने सिकंदराबाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर में जिस्म फरोशी का भी धंधा फल फूल रहा है और सिकंदराबाद पुलिस इन अपराधों पर लगाम लगाने में नाकामयाब हो रही है। सिकंदराबाद का समस्त हिंदू समाज धरने पर बैठा दनकौर तराहे पर। कल 2 तारीख को भी एक घटना हुई कि यहाँ पे जो है कुछ लोग लड़कियों को लेकर के यहाँ आए थे और एक होटल पे रंगरेलियां मना रहे थे, उसका जब विरोध किया तब जाके कोई कार्रवाई उसमें हुई और बहुत गरीब परिवार की लड़कियों को बहला फुसला करके लाया गया था। आज सुबह भी एक ऐसी घटना, एक मकान के अंदर देह व्यापार का धंधा चल रहा था, वहाँ पर भी एक मुस्लिम महिला हिंदू लड़कियों के साथ में देह व्यापार करा रही थी और उस मोहल्ले की पूरी संवेदनशीलता खत्म हो गई थी। और वहाँ पे आपत्तिजनक लोग जिन जो कानूनी रूप से कहीं ना कहीं कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है वो लोग वहाँ थे और उसका जब विरोध हुआ तब वहाँ पुलिस पहुँची है और उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए सिकंदराबाद पुलिस तैयार नहीं है। तब यहाँ पे सब लोगों ने निर्णय लिया कि इसका विरोध सड़क पे उतर के किया जाएगा। आज यहाँ पे सिकंदराबाद पुलिस का पुतला दहन किया जा रहा है और जब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, प्रशासन यहाँ पे SSP आकर के अपनी जो है यहाँ पे पुलिस पे कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये धरना चलता रहेगा और पुतला तभी फूंका जाएगा। नोएडा के लोग सिकंदराबाद में आकर गलत काम करते हैं क्या? जिला बुलंदशहर की पुलिस इतनी कमजोर हो चुकी है जो नोएडा के लोग यहाँ पे गलत काम करने आते हैं? कल भी 12-12, 16-16 साल की बच्चियों को लेकर सिकंदराबाद आते हैं कुछ युवक और बहला फुसला के, और सिकंदराबाद के युवा साथियों ने जब उन्हें पकड़ा, जब पुलिस सिकंदराबाद की होश में आई, ऐसा क्यों हो रहा है जो सिकंदराबाद के युवाओं को पकड़ना पड़ रहा है? पुलिस कहां सोई हुई है? और उसमें भी हम लोगों से सबूत मांगा जाता है। वो कहती है कि जब तक आपत्तिजनक स्थिति में नहीं पकड़े जाएंगे तब तक हम ऐसा मृत्यु नहीं मांगेंगे। पुलिस सबूत नहीं जिसे लाई हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से रोड खाली करने की अपील की, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने नगर के तराहे पर पुलिस का पुतला फूंकने के बाद रोड खाली कर दिया और थाना परिसर में धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं की मांग है कि बुलंदशहर के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और सिकंदराबाद पुलिस के खिलाफ कठोर कार्रवाई का कदम उठाएं। फिलहाल थाना परिसर में भाजपा युवा मोर्चा और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। Time24 न्यूज के लिए इकबाल सेफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।